हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, तो स्वागत आप सबका डॉक्टर काउंसलर नीट पे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे राजस्थान स्टेट क्वाटा के राउंड वन की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। कैटेगरी रैंक वाइज और स्टेट मेरिट वाइज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन कौन सी कैटेगरी में कितनी स्टेट मेरिट तक मिल सकता है। तो वीडियो आपको एंड तक देखना है, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है, ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक पहुँचते रहें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि हमने एक बुक बनाई है, कॉलेज प्रोफाइल बुक, राजस्थान स्टेट क्वाटा के लिए स्पेशली डिज़ाइन करी है। उसके अंदर आपको राजस्थान की जितनी भी मेडिकल कॉलेजेस हैं उनके बारे में सब कुछ डिटेल मिलने वाली है। स्क्रीन पे जो सैंपल है वो बुक का आप देख सकते हैं। सभी कॉलेजेस के बारे में सभी डिटेल्स दी गई है, फीस, एस्टेब्लिश ईयर, आपको एड्रेस भी देखने को मिलेगा, लोकेशन भी दी हुई है इसमें कि रेलवे स्टेशन से कितनी दूर है, जंक्शन से कितनी दूर है, हॉस्पिटल के बारे में सारी इंफॉर्मेशन दी गई है, कितने बेड का हॉस्पिटल अटैच है, कितनी ओपीडी पर डे आती है, कैसा कैसा उसका माहौल है, सब इसमें दिया हुआ है। एड्रेस वगैरह सारी डिटेल दी हुई है। स्टेट क्वाटा और ऑल इंडिया क्वाटा की कट ऑफ भी इसमें एक जगह ही दी गई है। मतलब सारा डाटा हमने फिल्टर किया है और एक जगह ही इसमें डाल दिया है, बिल्कुल ऑथेंटिक डाटा है। कॉलेज प्रोफाइल बुक इसको अपन बोलते हैं, और ये कॉलेज प्रोफाइल बुक आपको हमारे ऐप पे मिल जाएगी। डॉक्टर काउंसलर नाम से ऐप है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से जाके आप डाउनलोड करिए और उस पे जाके आप इसको परचेज कर सकते हैं। पीडीएफ की फॉर्मेट में आपको मिलेगी। इसकी प्राइस अपन 299 रख रहे हैं अभी के लिए, और ये इंक्रीज़ होने वाली है 5 सितंबर के बाद में। तो जाके आप परचेज कर सकते हैं और सारी कॉलेजेस के बारे में डिटेल देख सकते हैं, ताकि आप आसानी से काउंसलिंग करवा सकते हैं कॉलेजेस के बीच में कन्फ्यूज हुए बिना। और डॉक्टर काउंसलर का जो पेड काउंसलिंग प्रोग्राम है उस पे भी हम 20% ऑफ दे रहे हैं। तो स्क्रीन पे दिए हुए दोनों प्लान है, बेसिक एंड प्रीमियम, इन पे 20% ऑफ है। बेसिक प्लान आपको 2500 की बजाय 2000 में मिलेगा, प्रीमियम प्लान आपको 5500 की बजाय 4500 में मिलेगा। ये ऑफर भी लिमिटेड टाइम तक है, 5 सितंबर लास्ट डेट है, उससे पहले आप एनरोल करवा सकते हैं। 6 सितंबर से ऑल इंडिया का राउंड 2 शुरू हो जाएगा, तो उससे पहले आप एनरोल करवा सकते हैं। तो अब वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो स्क्रीन पे आपकी जो कट ऑफ दे रखी है 2023 की कट ऑफ है, देखो कट ऑफ है ना वो तीन चार फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। पहला जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो तो है सीट्स, कि सीट्स कितनी बढ़ती है। सीट जितनी बढ़ेगी कट ऑफ उतनी डाउन होगी। एक डिपेंड करता है शेड्यूल पे, कि काउंसलिंग का शेड्यूल कैसे कैसे होता है। शेड्यूल पे डिपेंड करने वाली जो कट ऑफ है वो राउंड 2 की 3 की होती है, कि ऑल इंडिया क्वाटा और स्टेट क्वाटा कैसे पैरेलली चलते हैं, क्या क्या उनकी डेट्स आती है। तो शेड्यूल पे राउंड 2 के बाद से डिपेंड करता है। राउंड 1 में कट ऑफ हायर साइड ही रहती है हमेशा के अंदर, जो सीट्स पे डिपेंड करती है कि सीट्स कितनी इंक्रीज हुई है, और स्टेट मेरिट में कितने कितने बच्चे हैं इस पर भी डिपेंड करता है। स्टेट मेरिट पे भी डिपेंड करता है कि ऑल इंडिया में किस बच्चे की क्या रैंक है, उसकी स्टेट में कितनी रैंक आ रही है, इंक्रीज हो रही है, घट रही है। तो इस बार मैंने स्टेट मेरिट का एनालिसिस तो आपको बता ही दिया था। तो अभी बात कर लेते हैं अपन कट ऑफ की, कि 2023 में देखो ये कट ऑफ थी जनरल की 741 सीट थी, इस बार 746 सीट है, यानी कि ओनली 5 सीट बढ़ी है। सीटें इस बार ज़्यादा बढ़ी नहीं है। गवर्नमेंट सीट है वो ओनली 17 बढ़ी है, और मैनेजमेंट सीट है वो ओनली 18 बढ़ी है। इस वीडियो में अपन गवर्नमेंट सीट की बात करेंगे। तो गवर्नमेंट सीट के लिए 17 सीटें बढ़ी हैं ओनली, जिनमें से 5 आई हैं ओनली जनरल के अंदर। तो ओबीसी की बात करें तो 432 है, तो 435 हो गई, 4 सीट बढ़ी है। इधर एमबीसी बॉयज़ में 1 सीट बढ़ी है, 1 सीट ईडब्ल्यूएस में बढ़ी है, एससी के अंदर 2 सीट बढ़ी है, एसटी में कुछ भी नहीं बढ़ा, और एसटीए में 1 सीट बढ़ी है। तो बहुत कम सीटें बढ़ी हैं, ओनली 17 सीटें ही बढ़ पाई है। कट ऑफ की बात करें तो स्टेट रैंक 1632 तक मिला था जनरल में, ओबीसी में 1674 तक, जिसकी कैटेगरी रैंक है, कैटेगरी यानी कि जो कैटेगरी की लिस्ट अलग से अपलोड की है ना, उसका सीरियल नंबर ही आपकी रैंक है, तो 1033 तक मिला था लगभग। ईडब्ल्यूएस में 1795 स्टेट रैंक तक और 253 कैटेगरी रैंक तक मिला था। एमबीसी बॉयज की बात करें तो 3502 स्टेट रैंक और 88 कैटेगरी रैंक तक। एमबीसी गर्ल्स में 3914 और 111 कैटेगरी रैंक, एससी में 5694 स्टेट रैंक और 355 कैटेगरी रैंक, एसटी के अंदर 5798 स्टेट रैंक और 162 कैटेगरी रैंक, एसटीए के अंदर 8069 स्टेट रैंक है और कैटेगरी रैंक है 103। तो ये कट ऑफ मैंने जो बताई है ये 2023 की कट ऑफ है। अब 24 में एक्सपेक्टेड क्या है वो अपन देखने वाले हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले तो अपन कैटेगरी रैंक एक्सपेक्टेड देखेंगे कि क्या क्या मिल सकता है। तो देखो जनरल में तो कोई कैटेगरी नहीं लगती है, तो जनरल की कट ऑफ जो है 5 सीटें बढ़ी हैं, तो उसके हिसाब से ज़्यादा वेरिएबल नहीं होगी। इस बार जो जनरल की कट ऑफ है वो ज़्यादा वेरी नहीं करेगी, तकरीबन आपको 1650 तक देखने को मिलेगी, 1650 प्लस माइनस 10, क्योंकि सीटें ओनली 5 बढ़ी है। अब जनरल की सीट ओबीसी वाला भी ले सकता है, ईडब्ल्यूएस वाला भी ले सकता है,
और जनरल वाला खुद भी ले सकता है। तो इसमें ज़्यादा चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। 1650 है वो 1650 के आसपास ही देखने को मिलेगी। 1632 है वो 1650 के आसपास हो जाएगी मैक्सिमम से मैक्सिमम, अदरवाइज उसके अंडर अंडर ही आपकी रहने वाली है, ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होने वाली है। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो देखो पिछली बार 1033 तक मिली थी और इस बार सीट कितनी बड़ी, ओनली 3 सीट, 432 से 435 हो गई। अब 3 सीटों पे कितने ओबीसी के बच्चे आ जाएंगे? ओबीसी की सीट सिर्फ ओबीसी के बच्चा ही ले सकता है, तो कितने के बच्चे आ जाएंगे? ज़्यादा बच्चे नहीं आएंगे, 3 सीट है, तो इसमें भी ज़्यादा आपको चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। तो 1033 है तो इस बार 1040 तक मिल जाएगी मैक्सिमम, 1045 तक मिल जाएगी। तो 1040 1045 वाले बच्चे की आप जब स्टेट मेरिट देखने जाओगे तो ओबीसी वाले बच्चे ज़्यादा हैं इस बार स्टेट मेरिट के अंदर, तो ओबीसी की कट ऑफ हायर साइड रह सकती है, 1674 से भी ऊपर आपको थोड़ी सी देखने को मिल सकती है, अदरवाइज 1670 के आसपास तो आप मान के ही चलो इसी के आसपास रहने वाली है ओबीसी की कट ऑफ। ओबीसी की कट ऑफ में ज़्यादा आपको डाउन नहीं देखने को मिलेगी क्योंकि ओबीसी के बच्चे इस बार ज़्यादा हैं, पिछले बार के कंपैरिजन में ज़्यादा है सेम स्टेट रैंक के अंदर। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो देखो 206 सीट थी और 207 हो गई है, और 253 कैटेगरी रैंक तक पिछली बार मिला था, एक सीट बड़ी है, तो 255 56 57 तक मिल सकता है, उससे ज़्यादा अपन को देखने को ईडब्ल्यूएस में भी नहीं मिलेगा। तो ईडब्ल्यूएस में अपनी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो 1870 प्लस माइनस 10 आपको देखने को मिल सकती है, 1870 प्लस माइनस आपको देखने को मिल सकती है। एमबीसी के अंदर बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों की अपन अलग अलग बात इसलिए करते हैं क्योंकि दोनों की कट ऑफ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस अपन को देखने को मिलता है। इस बार 77 से लेके 78 सीट हुई है, एक सीट बढ़ी है, तो कैटेगरी रैंक पिछली बार 88 तक मिला था तो इस बार 90 तक मिल जाएगा मैक्सिमम, 90 से ज़्यादा चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेगा। और जो 90 वाला बच्चा है उसकी ध्यान दीजिएगा आप, स्टेट मेरिट 3000 है, तो देख लो कितना चेंजेस आपको देखने को मिल सकता है। एमबीसी के बच्चे भी इस बार ज़्यादा है, ज़्यादा मेरिट आई है बच्चों की, तो इसलिए एमबीसी के अंदर भी कट ऑफ आपको इंक्रीज होती हुई देखने को मिलेगी राउंड 1 के अंदर। एमबीसी गर्ल्स की बात करें तो 111 कैटेगरी रैंक तक मिला था, सीट सेम थी, तो इस बार भी 111 12 तक ही मिलने वाला है, वहाँ पे आपको 3400 स्टेट मेरिट देखने को मिलेगी, 111 12 तक आपको देखने को मिलेगा, वहाँ पे आपको 3400 स्टेट मेरिट देखने को मिलेगी। तो यहाँ भी अपन को हायर साइड देखने को मिल सकती है क्योंकि एमबीसी के बच्चे इस बार ज़्यादा है स्टेट मेरिट के अंदर। इस बार 3000 स्टेट मेरिट वाले बच्चे की ही एमबीसी में 90 आ गई और पिछली बार 3000 स्टेट मेरिट वाले की तो 60 के आसपास रैंक थी, 60-65 के आसपास, तो काफ़ी बच्चे ज़्यादा आ गए इस बार। एससी की बात करें तो एससी के अंदर देखो 355 कैटेगरी रैंक तक मिला था, 355 तक मिला था, सीट बड़ी है 2, तो इस बार 357 या 360 तक मिल जाएगा मैक्सिमम, 357 360 तक मिलता है तो वहाँ पे करीबन 6000 के आसपास रैंक मिलेगी आपको, 6000 प्लस माइनस 50, 357 या 358 तक आपको देखने को मिल सकता है और 6000 प्लस माइनस 50 आपको देखने को मिल सकता है। एसटी की बात करें तो 162 कैटेगरी रैंक तक मिला था, इस बार सीट कुछ भी नहीं बढ़ी है, तो 162-63 वही सेम जाने वाला है आसपास, उस पे आप देखोगे तो 6200 स्टेट मेरिट आपको देखने को मिलेगी, प्लस माइनस 50 आप देख सकते हो। एससी एसटी की रैंक थोड़ी सी डाउन देखने को मिलेगी यहाँ पे क्योंकि बच्चे इस कैटेगरी रैंक तक कम है। एसटीए की बात करें तो 8069 तक मिला था, 103 कैटेगरी रैंक तक मिला था, सीट एक बड़ी है, तो 104 या 105 तक मिलेगा, 104 या 105 तक मिलेगा तो आप समझ सकते हो कि उस पर कितनी रैंक है इस बार देखने को मिलेगी आपको, 9078 के आसपास इस पर रैंक है, प्लस माइनस आप 50 मान लो, यानी कि इसमें भी आपको डिक्रीज काफ़ी देखने को मिलेगा, एसटीए के बच्चे कम हैं। तो एक बार मैं समराइज करूं, जनरल की अपन मान सकते हैं 1650 प्लस माइनस 10, ओबीसी की अपन मान सकते हैं 1670 प्लस माइनस 10, ईडब्ल्यूएस की अपन मान सकते हैं 1870 प्लस माइनस 10, एससी की अपन मान सकते हैं 6000 प्लस माइनस 50, एसटी की अपन मान सकते हैं 6200 प्लस माइनस 50, एमबीसी बॉयज की मान सकते हैं 3000 प्लस माइनस 50 और एमबीसी जो गर्ल है उसकी मान सकते हैं 3400 प्लस माइनस 50। ये कट ऑफ रह सकती है अपनी गवर्नमेंट सीट के लिए,
गवर्नमेंट सीट कितनी है, 2071 है। पिछले साल कितनी थी, 2058 सीट थी। इस बार 2071 सीट है, पिछली बार 2058 थी। ओनली 13 सीट बढ़ी है, कहीं घट गई कहीं कम हो गई। तो ये मैंने आपको देखो एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता दी है, इसी के अराउंड रह सकती है। एमबीसी के अंदर इंक्रीज़ आपको देखने को मिलेगा, एससी एसटी में आपको डिक्रीज़ देखने को मिलेगी, एसटीए में भी डिक्रीज़ देखने को मिलेगी। ओबीसी के अंदर स्लाइटली इंक्रीज़ हो सकती है, क्योंकि ओबीसी के बच्चे ज़्यादा हैं, एमबीसी बॉयज़ एंड एमबीसी गर्ल्स भी ज़्यादा है। तो ये कट ऑफ मैंने आपको बता दी है। कॉलेज प्रोफाइल जो बुक है उसको परचेज़ करने के लिए आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से जाके ऐप डाउनलोड कीजिए, ऐप में परचेज़ कीजिए, 299 की है। और आप अगर हमारी पेड काउंसलिंग लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉन्टैक्ट करिए, उस पे जाके मैसेज करिए या कॉल करिए, आपका कॉल उठाया जाएगा। आपको पेड काउंसलिंग लेनी है तो आप बता दीजिएगा कौन सा प्लान आपको परचेज करना है, बेसिक और प्रीमियम दोनों है, दोनों पे 20% डिस्काउंट है, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। तो ये था आज के इस वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।